नमस्कार प्यारे साथियों, आज मेरे साथ में दो फौजी और विराजमान हैं। एक का नाम है ईश्वर और दूसरे का नाम है विजय। एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ के अंदर सेलेक्ट हैं। दोनों ही बाड़मेर जिले के निवासी हैं। ये अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम लोग कैसे सेलेक्ट हुए, किस सब्जेक्ट पर हमने ज्यादा ध्यान दिया और किस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी क्या हो सकता है क्या। इन सारे प्रश्नों के उत्तर यही देंगे। मैं सबसे पहले संकल्प परिवार में ईश्वर, विजय और विजय के बड़े भाई साहब जो हमारे पास में बैठे हैं, इन सब का स्वागत करता हूं और आपको सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाँ सर। सबसे पहले ईश्वर अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम ईश्वर है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान रुमालाम जी। मेरा गांव गागरिया है और मैंने भी ग्रेजुएशन बीए कर रखा है और मैंने ना बीएसएफ के बारे में मेरे मतलब है फ्रेंड वगैरह तो लक्ष्मण जी फौजी है बाडखा के, उनसे मेरे को ये प्रेरणा मिली और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और मैं बीएसएफ में सेलेक्ट हो गया। परिवार में कितने भाई और कितने सेलेक्ट हुए? मेरे हम टोटल तीन भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई एक बड़ा भाई है। मेरे पापा जी और बड़े भाई मजदूरी करते हैं और छोटा भाई अभी 12th पास किया है और मैं अकेला ही तैयारी कर रहा था। और मेरे पापा जी ने टोटल 9 भाई है, तो हमारी फैमिली में कोई जो मैं नहीं लगा है, मैं पहला ही हूँ जो सरकारी सेवा में। पहले कोई इस पर एग्जाम दिए किससे पहले? मैंने इससे पहले एक दिया था फॉरेस्ट गार्ड वाला, तो वो पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से मेरा नंबर नहीं, मेरे नंबर 64 आ रहे थे और मेरी 58 रही थी, लेकिन पेपर लीक हो गया मेरा, वजह से हुआ नहीं। चल विजय आपका परिचय बताओ। जी सर, मेरा नाम विजय परमार है, पिताजी का नाम प्रभुराम जी, गाँव सावड़ोर। मैंने 2021 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई हो गया था। उसके बाद मैंने 2022 में ये एग्ज़ाम दिया, इसमें नंबर अच्छे आए, फिर मैंने रनिंग की तैयारी की, फिर मेडिकल में पास भी हो गया और फिर फाइनली सेलेक्ट हुआ आज बीएसएफ में। और सबसे पहले मैं मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी वजह से आज मैं सैन्य अधिकारी बना हूँ। आपके साथ में कौन है? मेरे बड़े भाई है, इनके साथ मैं 2 साल रूम में रहा हूँ और इन्हीं की वजह से आज मैं फौजी बन पाया हूँ। विजय एक बात बताओ, आपके फौजी बनने का सपना कहाँ से आया? फौजी बनने का सपना सर जी, मैं 10वीं में पढ़ता था तब से गांव की पगडंडियों पे दौड़ना शुरू किया था, रात दिन सुबह शाम 3 को, रात को 3 बजे दौड़ने चला जाता था और शाम को भी 5 बजते रनिंग के लिए चला जाता। फिर गाँव के कई लोग बोलते थे फौजी फौजी फौजी, गुस्सा भी आता था, खुशी भी होती थी, लेकिन वो उत्साह फौजी का और आखिरकार वो मैंने पा लिया। लोग मजाक कर रहे होंगे, लोग मजाक, ये फौजी दौड़ रहा, हाइट तो है नहीं, हाइट तो है नहीं। फिर 2021 में पहले ही मैंने इंडियन आर्मी की रैली भर्ती देखी उदयपुर से, लेकिन उन्होंने मेरे को आर्मी रैली से हाइट की वजह से बाहर निकाल दिया। मेरी हाइट कम थी, इसी वजह से मेरे को हाइट बाहर निकाल दिया। फिर मैंने किसी लड़कों से पूछा और कि इसमें अपने एसटी कैटेगरी को किसमें छूट है, तो कह भाई अपने को एसएससी जीडी में छूट है, इसमें पहले एग्जाम होता। तो फिर मैंने कहा रनिंग छोड़ो, अब एग्जाम की तैयारी करते। फिर मैंने 2022 में एसएससी जीडी का संकल्प क्लासेज ने बैच चलाया, उसमें मैंने बैच ज्वाइन किया, उसमें मैंने रीजनिंग और जीके जीएस और हिंदी, इन तीनों को कवर करके मैंने अच्छा स्कोर किया और गणित को मैंने छुआ नहीं, क्योंकि मेरे को आती थी नहीं, इसलिए मैंने कहा नंबर काट जाएंगे, अपन को करना है नहीं। फिर रीजनिंग में मैंने 38 नंबर लाया हूँ, 2 नंबर वो भी एक समय की वजह से छूट गया। अच्छा, वेरी गुड। तो विजय गणित में आपने कितने अटेंड किए? गणित में मैंने छुई नहीं गणित को, क्योंकि मेरे को आता नहीं था, मेरे को पता था मेरे को आती नहीं, इसलिए मैंने किया नहीं। 0 अटेंड? हाँ, 0 अटेंड। बिल्कुल, क्या बात है। देखो गणित के अंदर 0 अटेंड करने के बावजूद भी बीएसएफ के अंदर सेलेक्ट है, तो मेरिट कितनी रही और कितने टोटल पेपर कितने अंक का था और मेरिट कितनी रही? पेपर तो 160 का था, मैं 70 नंबर लाया हूं और 61.72 की मेरिट रही हमारी एसटी कैटेगरी की। तो आप तो सीआरपीएफ में भी जा सकते। मेरा मेन मोटिवेशन था कि मैं बीएसएफ में जाऊंगा, वो ही सपना था। अच्छा, आपने फर्स्ट चॉइस क्या भरी थी? फर्स्ट चॉइस मेरी बीएसएफ ही थी। और ईश्वर आपकी फर्स्ट चॉइस क्या थी? मेरी सीआरपीएफ थी, लेकिन हुआ नहीं, नंबर कम थे, 2 नंबर कम थे। आपको कितने नंबर आए? मेरे 64 नंबर। 64 नंबर आए। अच्छा ईश्वर, आप बताइएगा कि आपने पेपर को कैसे मैनेज किया? सर मैंने तो मतलब मैथ्स के 5 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 4 सही हुए,
बाकी वाले किए, मतलब मैथ रीजनिंग किए, हिंदी के, उस पे ज्यादा ध्यान दिया। मैथ्स के सिर्फ 5 क्वेश्चन ही किए। हाँ, 5 में 4 आपके सही हो गए। हाँ जी, 4 सही। गणित में बच्चे इतने डरते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों की मेरिट कितनी कम रहती है। बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर के अगर ST समुदाय के अगर बच्चे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, जितने भी ST समुदाय के लोग हैं, ये हमारा वीडियो जरूर देखना और आप आगे से आगे सबको शेयर जरूर करना। जितने भी ST के ग्रुप बने हुए, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपका बच्चा कितना भी कमजोर है, तो उसके लिए ये एक सुनहरा अवसर है। 10वीं पास बच्चे आपके फिजिकल फिट होते हैं, मेल समुदाय के जितने भी बच्चे होते हैं, सब फिजिकल फिट होते हैं जी। बस वो 10वीं पास करने के बाद में कमठे के काम में, गाड़ियों में, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। देश आजादी के बाद में आप नौकरियों से पिछड़ रहे हो और आपके पास कितना सुनहरा मौका। विजय से आप प्रेरणा लो। देख लीजिए, विजय ने ठान लिया रात को 3 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, लोग ताने मार रहे तो भी दौड़ना है। उससे पहले विजय से, विजय आप बताओ, आपके गाँव में BSF में कितने लोग सेलेक्ट है? BSF में हमारे गांव के 2018 वाले में 2 लड़के हैं, एक अरविंद परमार, एक दिलीप परमार, वो मेरे भाई है। मैं जब भी क्लास में आया था, तब मेरे भाई को और मेरे दोस्त था उसको, हम तीनों साथ एक बेंच पे बैठे थे, तो मैंने बोला था आज ये सर जो फोटो दिखा रहे ना, ये आज इनका है, कल मेरा भी इधर होगा, एक वैकेंसी मेरी है, मैंने ठान रखा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा विजय, एक बात बताओ, आने वाले आपके भेल समुदाय के लिए आपका क्या संदेश है? मैं हमारे समाज के लोगों को यही कहना चाहूंगी कि वो आगे आए और अपने बच्चों को पढ़ाए और SSC GD की तैयारी करें, क्योंकि हमारे भेल समुदाय के लोग काफी पीछे रहे हुए, तो आप SSC GD की तैयारी करें, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नॉर्मली होता है, अपन को मेरिट में भी छूट होती है और हाइट में भी छूट होती है, चेस्ट में भी छूट होती है, हर चीज में छूट होती है। सही बात है। बाड़मेर के लिए तो विशेष करके आरक्षण भी होता है, विशेष कर छूट पोस्टों में जी। इस बार कितनी पोस्ट थी ST? 71 पोस्ट थी और 35 बंदे सेलेक्टेड हुए हैं बाड़मेर जिले के। बाड़मेर के 71 में से 35? हाँ। ओहो, क्या बात। और 4 जिलों की 71 पोस्ट थी जी। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। अब इनके भाई है साथ में, आपने आपको लगा कि मेरा छोटा भाई फौजी बन जाएगा, आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरा नाम दशरथ है, ये मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ ये रहने के लिए आया था। 2020 में इसने 12वीं की थी, तो मेरे बीए हुई हुई है, मैंने भी SSC GD का एग्जाम क्लियर कर दिया था। मेरे मेडिकल प्रॉब्लम है, हाथों में ये नॉर्मल बैंड है। ठीक है, आपको मेडिकल कितने आए थे? मेरे को 74 नंबर है। 74 नंबर, बहुत बढ़िया। CRPF में हो जाता नंबर तो हो जाता मेरे को, तो पहले भी मेरे को मेडिकल बहुत टाइट होता है इसमें, बहुत टाइट। यदि मेडिकल बंदा फिट है ना, तो SC ST के बंदों के लिए ये अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप अपने और समाज बंधु भाइयों के लिए? मैं सभी समाज के बंधु से यही कहना चाहता हूँ कि SSC GD के लिए आप तैयारी करें। 10वीं पास से SSC GD में आपका होने का पूरा चांस है और हो जाएगा, यदि आप सही तैयारी करें, कोचिंग आए लगातार, आप यदि 3 महीने कोचिंग करते हो ना, एग्जाम दोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सही ट्रैक मिल जाएगा बच्चों। हाँ, सही ट्रैक मिल जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है, विजय और ईश्वर और उनके भाई साथ में थे और उन्होंने अपनी सफलता की कहानी बताई और सबको एक संदेश भी दिया है कि आप लोग जागरूक होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग उस बच्चे को सही गाइडेंस में पढ़ाइएगा, उसको अच्छे तरीके से कहिए कि हिंदी पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और GK को तैयारी करनी है, फिजिकल फिट रहना, डॉक्यूमेंट पहले से अपने तैयार रखने। एक लाइन, हाँ बोलिए, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे वर्दी के दीवाने, वर्दी भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आज के इस कार्यक्रम में एक जोशीला फौजी विजय और साथ में ईश्वर और इनके भाई आए, आपको हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों को भी ये बातें बहुत पसंद आएगी। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई।